हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। पहला तिस्लुनीकियों 4 अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों के साथ आएगा, तब परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तुम जाओ, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है उनको बदल कर ले आओ, जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे, और जो जीवित हैं और हम जो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। करोड़ों लोग इस दुनिया से अचानक गायब हो जाएंगे, समय करोड़ों लोग इस दुनिया से गायब हो जाएंगे, उस समय इस पृथ्वी पर, इस धरती पर त्राही त्राही मची होगी, किसी न किसी घर में रोना बिलखना चिल्लाना होगा, क्योंकि उस समय किसी की माँ और बेटी और बहन भाई अचानक गायब हो जाएंगे। जो लोग यीशु के साथ रैप्चर में नहीं जा पाएंगे, वे लोग उस समय बिन चरवाहों की भेड़े बन जाएंगे, उनके लिए कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अपना समय इधर उधर गवाया था। पहला तिस्लुनीकियों 5 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हम जानते हैं जब चोर रात को चोरी करने आता है और वह चोरी करके चला जाता है और कोई नहीं जानता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, वैसे ही यीशु मसीह आ जाएगा चोर के समान। कोई तो उस समय बाइबल पढ़ रहा होगा, कोई तो उस समय प्रार्थना कर रहा होगा, और कोई तो भैया उस समय पाप कर रहा होगा। जिस समय परमेश्वर अपनी कलीसिया उठा लेगा, उस समय इस धरती पर मसीह विरोधी का राज्य चालू हो जाएगा। वह मसीह विरोधी शांति करके बैठाएगा, वह झूठी दिलासा देगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 12 और 17 वचन में लिखा हुआ है, जब उसने छठवीं मोहर खोली, किसने खोली? यीशु मसीह ने खोली, तो मैंने को यूहन्ना ने, यूहन्ना देख रहा है दर्शन के द्वारा, क्योंकि सारी प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखी है दर्शन के द्वारा, कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कम्बल की नाई काला हो गया, पूरा चंद्रमा लहू सा हो गया। जब परमेश्वर छठवीं मोहर खोलेगा तो एक बड़ा भूकंप होगा और सूर्य पूरा काला हो जाएगा और चंद्रमा पूरा लाल हो जाएगा, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ेंगे जैसा बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक टापू, हर एक पहाड़, हर एक टापू अपने अपने स्थान से टल गया। जब परमेश्वर छठवीं मोहर खोलेगा तब यह सब होगा, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सामर्थी लोग और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में जा छिपेंगे, भैया दरारों में जा छिपेंगे। जब परमेश्वर छठवीं मोहर खोलेगा तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सामर्थी लोग, बड़े बड़े लोग अपने आप को बचाने के लिए चट्टानों की दरारों में जाकर छिपेंगे, और पहाड़ों से और चट्टानों से कहने लगेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुँह से जो सिंहासन पर बैठा है छिपा लो, उसके मेमने के प्रकोप से छिपा लो। पृथ्वी के लोग कहेंगे रैप्चर हो जाने के बाद, जब लोग जो यहाँ रह जाएंगे बच जाएंगे, जो यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे, जब छठवीं मोहर खोली जाएगी तब कहेंगे चट्टानों से और पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिरो, हम पर गिर पड़ो, हमें ढांप लो, हम जीना नहीं चाहते हैं। आज लोग जीना चाहते हैं, मगर उन दिनों में लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? पृथ्वी के लोगों का भयानक दिन आ पहुंचा है। इसलिए मेरे प्रियो, समय रहते हुए आप परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, क्योंकि अंत का दिन चल रहा है मेरे प्रियो। जब प्रभु आएगा तो उसी मसीह विश्वासी को लेकर जाएगा जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, वही स्वर्ग में उठाया जाएगा, बाकी सब यही रहेंगे जिंदा जलने के लिए, खून पीने के लिए। इस वीडियो को दबा के शेयर कर अपने मसीह भाइयों के पास, परमेश्वर के लिए आप आत्माएं बचा सकते हैं। इसके बदले परमेश्वर आपको स्वर्ग का मुकुट देगा, जीवन का मुकुट देगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी मसीह भाइयों को जय मसीह की।